सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षस काहू को डरना। जय हनुमान। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। कहते हैं कि अगर इस दिन बजरंग बली की मन से आराधना की जाए तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर मंगलवार को ही क्यों पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक भी माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की उपासना करने से साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको हनुमान जी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका तुलसी अर्पित करना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। जो भी भक्त संकट मोचन हनुमान पर तुलसी अर्पित करता है, जीवन भर अन्न का अभाव नहीं होता। इसके अलावा आयु रक्षा, मुकदमों और परीक्षा में विजय और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को त्रिकोण ध्वज चढ़ाई जाती है। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को हनुमान जी को एक त्रिकोण लाल ध्वज चढ़ाएं। ध्वज पर राम लिखा होना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों और शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है, ग्रहों की पीड़ा समाप्त होती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम होगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लगाएं। किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा, साथ ही दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। अगर मंगलवार को उपवास रखते हैं तो इस दिन नमक न खाएं। अगर इस दिन मीठी वस्तु का दान करते हैं तो इस दिन मीठी चीजों से परहेज करें। प्रयास करें कि इस दिन घर में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना हो। मंगलवार के दिन हवन करना अनुकूल नहीं माना जाता, इसीलिए इस दिन हवन न करें। इसके अलावा अगर हनुमान जी की उत्तम कृपा चाहते हैं तो 21 मंगलवार उपवास करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का व्रत उन्हें करना चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह निर्बल हो और जिसके चलते वो शुभ फल नहीं दे रहा हो। ये व्रत कम से कम लगातार 21 मंगलवार तक किया जाना चाहिए। इस व्रत से कुंडली का मंगल ग्रह शुभ फल देने वाला होता है। मंगलवार व्रत से हनुमान जी की असीम कृपा मिलती है। ये व्रत सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ को बढ़ाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत के फल स्वरूप पापों से मुक्ति मिलती है। जो ये व्रत करते हैं उन पर भूत प्रेत काली शक्तियों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।